विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग विशिष्ट के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा था कि परमात्मा का बोध कैसे हो और जिस ब्रह्मांड को आज तक हम वास्तविक समझ रहे हैं उसे अवास्तविक कैसे समझें। इस पर महर्षि जी कहते हैं, परमात्मा का बोध तभी हो सकता है जब कोई संसार की असारता को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कुछ रस नहीं है। ये जब कोई दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करता है ना, तभी उसे परमात्मा का बोध होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे वह आकाश को, नीलिमा को अवास्तविक मानता है। मित्रों, आसमान हमें नीला दिखता है, पर क्या वास्तविक वो नीला है क्या? अगर वास्तविकता में देखो तो ज्ञानी को यह पता है कि आसमान नीला नहीं है। प्रकाश के किरणों की वजह से जो जिस तरीके से एंगल बनता है इस पृथ्वी पर, उसकी वजह से वह नीला प्रतीत होता है, लेकिन वह नीला नहीं है। वह नीलापन अवास्तविक है। यही जैसे ज्ञानी समझ लेता है, उसी प्रकार इस संसार में कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है, ये जो समझ लेता है उसको कहीं ना कहीं परमात्मा का अनुभव होने लगता है। द्वैत अद्वैत की पूर्व कल्पना करता है और द्वैत अद्वैत की ओर संकेत करता है। जब जान लिया जाता है कि सृष्टि पूर्णतः अस्तित्व विहीन है, तभी परमात्मा का बोध होता है। आगे चलकर प्रभु रामचंद्र जी बहुत ही सुंदर सवाल पूछते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, हे महर्षि, वह कौन सी पद्धति है जिससे मैं यह जान पाऊं कि और क्या जानूं जिससे जानने योग्य शेष ना रहे। क्या प्रश्न है मित्रों ये, कि ऐसा क्या है जो मैं जान लूं, वो जानने की पद्धति क्या है, और ऐसा क्या मैं जान लूं उसके बाद जानने के लिए कुछ शेष ही ना बचे। गुरुजी को एक बार परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को किसी ने पूछा था कि गुरुजी, अगर मुझे कुछ मांगना है तो मैं क्या मांगू? तो उन्होंने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, मांगना है तो कुछ ऐसे मांग लो उसके बाद और कुछ मांगने की कभी भी आवश्यकता ना रहे। ऐसा ही सवाल है ये मित्रों। उस पर वशिष्ठ जी कहते हैं, निरंतर दोषपूर्ण चिंतन करते रहने के फलस्वरूप यह दोषपूर्ण धारणा हमारे भीतर घर कर चुकी है। हम सदैव दोषपूर्ण को चिंतन करते हैं ना, तो फिर सब जगह वही दोष दिखने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बोलो कि इस कमरे में कितने सर्कल्स है, ढूंढो, वो ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढेगा, एक समय ऐसे आएगा वो इतना सर्कल में उलझ जाएगा कि किसी चौकोन में भी उसे वह सर्कल ही दिखाई देगा, उसी को ढूंढने की चेष्टा करेगा। हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। तो भी इसे दूर किया जा सकता है, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है, इसके लिए तुम्हें नित्य संत महात्माओं की संगति करनी होगी और पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। देखिए, बार बार सत्संग की बात आती है। सारे धर्म ग्रंथ में संतों के सहवास में रहना, गुरुओं के साथ रहना, यह सबसे ऊपर के स्तर का माना गया है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन और संतों की संगत से ही हम इस टेंडेंसी से, हम इस विचारधारा से बाहर आ सकते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में महारामायण सबसे उत्तम है।
वशिष्ठ जी कह रहे महारामायण ग्रंथ सबसे उच्चतम ग्रंथ है, जो इसमें प्राप्त होता है वह अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे नहीं है कि इसमें जो मिला है वो और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें अगर आपको सुलभ नहीं लग रहा तो और कहीं वह सुलभ लगेगा, ये हो नहीं सकता। इसलिए वो कह रहे ये सबसे सुलभ धर्म ग्रंथ है। परंतु यदि कोई इसका अध्ययन न करना चाहे और किसी अन्य धर्म ग्रंथ का अध्ययन करे तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और भी धर्म ग्रंथ है जिसके अध्ययन से भी हम ये समझ सकते हैं, उस पद्धति को जान सकते हैं कि उसके बाद जानने जैसा कुछ शेष नहीं रहेगा। जब दोषपूर्ण धारणा दूर हो जाती है तो सत्य का बोध होता है, और जिसे ये बोध होता है उन लोगों को कभी कभी जीवन मुक्त कहा जाता है और कहीं कहीं विदेह मुक्त भी कहा जाता है। जिनको यह परमात्मा का बोध हो गया, जिनको यह ज्ञान हो गया, ऐसे लोगों को ही जीवन मुक्त कहते हैं या विदेह मुक्त भी कहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी स्वाभाविक दृष्टि से अगला प्रश्न पूछते हैं, ये जीवन मुक्त कौन है, विदेह मुक्त कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में योग वशिष्ठ के। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे।